चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सेलिब्रिटीज़ को अपने अपने पाले में करने में लग जाती हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इन पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। ताज़ा मामला महेंद्र सिंह धोनी का है। फेसबुक पेज अमिशा फैंस टीम ने धोनी का एक फोटो अपलोड करके ये दावा किया है, महेंद्र सिंह धोनी हुए भाजपा में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव, स्वागत नहीं करोगे माही भाई का। इस पोस्ट को इस स्टोरी के साथ फाइल होने तक करीब 1000 यूजर्स ने शेयर किया था। इस फेसबुक पेज को 144,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने इस पोस्ट की पड़ताल की और हमारी टीम ने अपनी जांच पड़ताल में यह पाया कि यह पूरी तरह से गलत है ये दावा, क्योंकि ये जो फोटो है वो पिछले साल की है जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे। बीजेपी उस समय एक कैंपेन चला रही थी जिसका नाम था संपर्क फॉर समर्थन। बीजेपी के आला नेताओं ने पिछले साल देश के नामी गिरामी लोगों से मुलाकात कर बीजेपी के कार्यकाल में हुए कामों के बारे में जानकारी दी थी। इस कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी क्रिकेट एडिक्ट नाम की एक वेबसाइट से भी ली जा सकती है। दरअसल पिछले ही साल से ये अटकलें लग रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी राजनीति में आएंगे, इसलिए हमने सीधे धोनी के लंबे समय से दोस्त रहे अरुण पांडे से बात की। पांडे धोनी के मैनेजर भी हैं। पांडे ने कहा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, धोनी इस समय आईपीएल खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप भी आने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल 5 तारीख तक चलेगा, 5 तारीख मतलब 5 मई। आईपीएल का फाइनल 12 मई को खेला जाना है और इसी दौरान मैचेस के साथ साथ चुनाव भी होने हैं। हमने चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया, राजनीति के मुद्दे पर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, हालांकि मुझे उनके प्लान के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेल रहे हैं तब तक वो ये सब नहीं करेंगे। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने इस दावे को गलत पाया है। हम आपको याद दिला दें, अमित शाह फैंस टीम ने 24 मार्च को एक पोस्ट डाली थी जिसमें वेस्टइंडीज के धाकड़ दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के बारे में बताया गया था कि वो भारत आकर बीजेपी के लिए कैंपेन करने वाले हैं। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने इस दावे की भी पड़ताल करके इसे गलत बताया था।